स्वागत है आपका स्टेट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। फर्रुखाबाद जिला अस्पताल लोगों को राहत देने की जगह लापरवाहियों का अड्डा बन गया है। यहां अस्पताल कर्मियों और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण एक मासूम मौत की नींद सो गया। अब बच्चे की मौत के बाद परिजन डॉक्टर पर शराब के नशे में गाली गलौज करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव ककरिया निवासी रावेंद्र सिंह अपने 5 वर्षीय बेटे आंसू के पेट में दर्द होने के बाद याकूतगंज स्थित एक निजी चिकित्सक को दिखाया। बेटे की हालत गंभीर होने पर पिता उसे CHC लेकर गए। वहाँ तैनात डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। राहत की उम्मीद लिए पिता आनंद फानन में रात में ही बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां तो अस्पताल कर्मियों और चिकित्सकों ने इस कदर टहलाया कि बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। दरअसल वहां तैनात डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने उसे पीकू वार्ड ले जाने को कहा। पीकू वार्ड पहुँचने पर नर्स ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक सक्सेना को फोन किया तो उनका फोन नहीं उठा। इस पर नर्स ने 2 कर्मचारियों के साथ पिता को बच्चे के साथ इमरजेंसी में भेज दिया। वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे फिर पीकू वार्ड में भर्ती कराने को कहा। बस इधर उधर के चक्कर में बच्चा आशु अपनी मां की गोद में ही मौत की नींद सो गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने EMO डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी पर इलाज ना करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। यही नहीं, एम्बुलेंस कर्मी आदेश कुमार ने डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी पर शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने और अस्पताल परिसर से भगाने का आरोप लगाया है। यहाँ आ चुके हो? यहाँ आते हैं। कितनी बार? क्या नाम है आपका? हमारा पप्पी देवी। ये बच्चे क्या नाम है? बच्चे का आसू नाम है। 4 बार आधे भगाया गया, आधे घंटा को हो गया यहाँ, 4 बार को भगाया गया यहाँ। कहाँ से बच्चा है? कहाँ के रहने वाली हैं? ककरिया की। ये कौन है आपका? हमारे जो देवरानी को लड़का। क्या नाम है इसका? आंसू। आंसू कितने साल का? 5 साल को। कहाँ के रहने वाले हैं? ककरिया के। थाना? थाना कमालगंज। क्या हो गया बच्चे को? पेट में दर्द था, कोई बीमारी नहीं थी। फिर कहाँ ले गए थे? कमालगंज लेके गए अस्पताल में। हाँ। कमालगंज कोई दवा नहीं दी, तो सिर पे दी खाली। हमने कही ऑक्सीजन लगाए दो, बच्चे सांस नहीं मिल रही पेट में। हृदय उन्होंने कही यहाँ कोई दवा नहीं है, ना यहाँ कोई दवा मिलेगी, लोहिया लेके जाओ। हमने बैठे रहे, हमने हाथ जोड़े, भाई साहब ऐसे करो, हम लोग गरीब हैं, बोले बच्चा पाले की दवा करा है, तुम हमारी कुछ लो तो सुनो। लोहिया किससे आई आप? लोहिया एम्बुलेंस से आए कमालगंज की। लोहिया में क्या हुआ फिर? लोहिया में आए यहाँ, एम्बुलेंस वाला हमको लेके आया। एम्बुलेंस वाले ने हमको अस्पताल दिखाया, यहाँ चले जाओ। उसने सारे कमरे दिए, यहाँ के लोग 4 बार लेके आए, वहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। हम सारे कमरे में लेके गए। मेरा बच्चा दर्द के मारे बेचैन था, किसी ने दर्द के मारे बच्चा की मेरी सुनी नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर थे ना, छुट्टी पे चले गए, 8 बजे छुट्टी। यहाँ यहाँ लेके आए जहाँ बच्चा है, यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? यहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ लेके जाओ। अच्छा। वहाँ लेके गया एक डॉक्टर ने, एम्बुलेंस वाले ने आज जोड़े, भाई बच्चा बड़ा दिक्कत में, ऑक्सीजन लगा के ले आए, इसे भर्ती कर लो जल्दी, दिक्कत है। डॉक्टर ने एम्बुलेंस वाले को गाली दी। बच्चा भी आपका कैसा है? बच्चा हमारा मर चुका है, सब लोगों ने मर। इसको लेकर आपने जांच की, क्या पाया अभी तक? जांच समिति बनेगी कल, उसकी कायदे से जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। CMS भी मौजूद नहीं रहते, जो डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी पे नहीं मौजूद रहते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं है नौकरी करने, वैसा लग रहा है। इनके खिलाफ ही लिखा पड़ी की जाएगी और इनको सस्पेंड करा जाएगा CMS। आप लगातार निरीक्षण करते हैं, महीनों से निरीक्षण कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, कोई असर होता नहीं दिखता है, इसकी जांच की जाएगी, तो क्या होता है? नहीं सर, जांच तो सालों चलती है। समस्या सबसे बड़ी है, जांच तो सालों चलती है, 6 महीने चले, 1 साल चले, 2 साल चले। इसमें जो अपराध, वो दोषी है उसके खिलाफ
कार्रवाई तीमारदारों द्वारा पाँच बजे की मरीज चला गया भाग गया यहाँ से, मरीज अंदर मरा पड़ा सर, पूरा देखा जाएगा, बड़ी लापरवाही से चारों व्यवस्था सही हो जा रहा है, कौन मतलब ही नहीं। दूसरा एक बच्चे की सर मौत हुई है, उसकी माँ के हाथों में ऊपर नीचे भागते हुए, इमरजेंसी डॉक्टर पे भी गंभीर आरोप लगे, क्या कहेंगे? इसमें भी जो डॉक्टर साहब है उनकी जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर केवल सिर्फ सिंपल शब्द है, जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, आप देख लेना आप कार्रवाई कर। आपका ऑक्सीजन प्लांट भी बंद है, डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद भी बंद है, क्या उनका भी आदेश जनपद के अधिकारियों के लिए बराबर नहीं है? क्या पत्राचार किया गया, उसको जल्दी चालू करा दिया गया। सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं, एक महीना पहले यहाँ पे सरकटी लाश मिली थी, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, अभी भी बंद हैं, उसके बाद भी आपका मैन कैमरा भी बंद है, क्या अधिकारी सुन रहे हैं? क्या कमीशन खोरी के चलते स्वास्थ्य विभाग चढ़ गया है? नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात है। नहीं नहीं गलत नहीं, इसमें कहीं ना अगर जिम्मेदारी अगर आदमी अपनी प्रत्येक डॉक्टर है या कर्मचारी की जिम्मेदारी निभाए तो समस्या आई नहीं, समस्या नहीं आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल सही व्यवस्था कर दी जाएगी यहाँ पर, थोड़ा सा मौका दो, ठीक है। हमारी जवानी जनता की मांग है कि मतलब सारी व्यवस्थाएं सरकार कह रही है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो जिले के मैन अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, सर सबसे भी प्रॉब्लम ऐसा है हमें डॉक्टर बहुत कमी है जनपद में, तो इन्हीं से हम काम चलाना चाह रहे हैं। हाँ। वो भी अपना काम सही नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दूसरे डॉक्टर मंगाए जाएंगे बाहर से। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।